दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटा सा यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल का नाम है हाउ टू बांग्ला प्रो। तो दोस्त, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बातचीत करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल थ्रेडमैन 2017 टू 2021 कांस्टेबल थ्रेडमैन रिजल्ट फिक्स डेट। दोस्त, आईटीबीपी कांस्टेबल थ्रेडमैन में आपकी जो रिटर्न एग्जाम हुआ था लास्ट 19 मार्च को, उसका फाइनल रिजल्ट आपको कब तक आएगा। और दोस्त, ये जो सुनने में आया कि उसका वैकेंसी जो है उसका डबल हो गया है वैकेंसी, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो उसका वैकेंसी डबल हो गए। तो दोस्त, ये क्या सच है क्या झूठ है, और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगी अपने आईडी पे। दोस्त, अगर आप भी जानना चाहते हो तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। और मेरे पास जो पक्की जानकारी है मैं आपको वही शेयर करूँगा। तो चलिए, मैं चलता हूँ अभी, मेरा अपना आईडी खुल के आईडी में क्या अपडेट हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट NIC, तो यहाँ पे कोने में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बस सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं भी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसा कि आपको इंटरफेस आ जाएगा, उसमें बस सिर्फ आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड डालना है और नीचे आपको कैप्चा डाल के लॉगिन होना है। तो मैं भी अपना लॉगिन हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है जो फेक वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को बस सिर्फ आप सभी का प्यार चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना आईडी लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो भी है मेरा आईडी, ये अभी खुल गया है, ये मेरा आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बस सिर्फ वेलकम टू मेरा नाम दिखेगा, आपको बस सिर्फ डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है इसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, बहुत सारा फ्रेंड को नहीं पता है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं, एडमिट कार्ड में क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने दो फॉर्म डाला है, कॉन्स्टेबल थ्रेडमैन में, कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में। तो आपको बस सिर्फ ये जो कोने में जो नीचे है इसमें आपको स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टेटस पर आओगे, तो आने के बाद आप देख सकते हो आपकी जो पूरा डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PhD कंप्लीट हुआ है, PET PhD थ्रेड टेस्ट हुआ है, मेरे को 21.6 मार्क मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी उसका वगैरह वगैरह है, रिटर्न टेस्ट की जो है, रिटर्न टेस्ट की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। मेरे को जो भी ऑफलाइन पता है, आपके रिजल्ट जो है वो बन चुका है, आपकी रिजल्ट जो बन चुका है वो कोविड के लिए अभी पेंडिंग है। तो एग्ज़ाम भी आईटीबीपी का बहुत डिले प्रोसेस है, आईटीबीपी भी क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है, क्या काम कर रहा है आईटीबीपी, इतना डिले है और सब लोग 4-4 लाख दे के सब लोग भर्ती हो रहे हैं, क्या ये सच है। हाँ, मैंने भी सुना कि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते कि भाई सब लोग तो 4 लाख में दिया है, भर्ती हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, इसीलिए पेपर लीक हो गया और भारत ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आया, क्योंकि न्यूज़ में आएगा तो ये हल्ला हो जाएगा, ऐसा होता है। तो दोस्त, यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम की जो है अभी तक देख सकते हो कोई भी अपडेट नहीं आया रिटर्न एग्ज़ाम की। अभी तक डॉक्यूमेंटेशन है, RME है, RME DME है, RME है, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है। तो आपको कितना मार्क मिला आप लोग बोलना मेरे को आईटीबीपी कांस्टेबल थ्रेडमैन की जो रिटर्न एग्ज़ाम है इसमें। और आप भी, मैं नेक्स्ट की जो वीडियो बनाऊँगा वो है कट ऑफ के बारे में, तो मेरे को कितना मार्क मिला मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि जो उसका पेपर की जो शीट है वो भी आपको बोलूँगा। तो दोस्त, ये देख सकते हो अभी तक आईटीबीपी थ्रेडमैन का रिटर्न का कोई भी जवाब नहीं, मतलब कि कोई रिप्लाई रिजल्ट की कोई, मतलब कि कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। जो है आपका, मेरे को जो भी पता है कि आपका रिजल्ट बन चुका है, वो बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो